अश्विन जडेजा और जयसवाल ने अंग्रेजों को दिन में दिखाए तारे। हैदराबाद टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। तो दोस्तों, क्या कुछ रहा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का पूरा हाल, बताएंगे आपको इस वीडियो में इस मैच की पूरी हाइलाइट पूरी विस्तार से पूरी डिटेल में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी यशस्वी जयसवाल को एक विस्फोटक खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड के 246 रनों के जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने एक विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए हैं। मेहमान टीम रोहित शर्मा का विकेट निकालने में सफल रही। टीम इंडिया इंग्लैंड से अभी 127 रन पीछे है। इंग्लैंड के 246 रनों के जवाब में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने भारत की पारी का आगाज किया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 74 गेंदों में 80 रन जोड़े। कप्तान रोहित शर्मा 24 रन बनाने के बाद जैक लिंच का शिकार बने। उधर यशस्वी जायसवाल ने धुआंधार पारी खेलते हुए टेस्ट जीवन का दूसरा अर्धशतक पूरा किया। जायसवाल 70 बॉल में 76 रन की पारी खेलने के बाद क्रीज पर मौजूद रहे। इस पारी में उनके बल्ले से 9 चौके और 3 छक्के निकले। यशस्वी जयसवाल के साथ 14 रन बनाने वाले शुभमन गिल मौजूद हैं। इंग्लैंड की तरफ से एकमात्र विकेट बाएं हाथ के स्पिनर जैक लिंच ने लिया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 246 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। उनकी तरफ से बेन स्टोक्स ने कप्तानी पारी खेलते हुए 88 बॉल में 70 रन जड़े। इस पारी में स्टोक्स ने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। टेस्ट क्रिकेट का 31वां अर्धशतक लगाने वाले स्टोक्स की पारी जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर समाप्त की। स्टोक्स के अलावा जॉनी बेयरस्टो ने 37 और बेन डकेत ने 35 रनों का योगदान दिया। सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉले ने 20, अनुभवी जो रूट ने 29 और टॉम हार्टले ने 23 रन बनाए। 10 में से 8 विकेट भारत की स्पिन तिकड़ी ने चटकाए। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। 2 विकेट अक्षर पटेल की झोली में गिरे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 2 सफलताएं हासिल की। तो दोस्तों, यार आप भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का पूरा हाल,